हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर इजी का एक और नया एपिसोड। आज हम बनाएंगे तीन तरह की सुपर इजी और सुपर डिलीशियस चटनीज, जिन्हें आप व्रत के टाइम या फिर ऑर्डिनरी डेज में भी इजीली बना सकते हैं। हमारी पहली चटनी रेसिपी है मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालिए आधा कप भुनी हुई और छिलका उतारी हुई मूंगफली, दो छोटे चम्मच भुने हुए तिल, दो हरी मिर्च कटी हुई, सेंधा नमक स्वादानुसार और दो बड़े चम्मच दही। अब इसमें ऐड कीजिए लगभग आधा ग्लास पानी और ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। मूंगफली की चटनी तैयार है। इस रेसिपी में दही की जगह आप एक या डेढ़ छोटे चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट चटनी रेसिपी है नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालिए एक कप घिसा हुआ ताजा या सूखा नारियल। अगर आप सूखा नारियल यूज कर रहे हैं तो उसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो दीजिए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे दो हरी मिर्च मोटे स्लाइसेस में कटी हुई, सेंधा नमक स्वादानुसार या 3/4 छोटी चम्मच, 8 से 10 करी पत्ते, एक छोटा चम्मच भुने हुए तिल, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच दही। अब इसमें लगभग 1/4 ग्लास पानी डाल दीजिए और ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। नारियल की चटनी तैयार है। इस रेसिपी में भी दही की जगह नींबू का रस यूज किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट चटनी रेसिपी है धनिया पुदीना चटनी। धनिया पुदीना चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालिए 1 कप बारीक कटा हरा धनिया, 15 से 20 पुदीना पत्ती। अगर पुदीना पत्ती अवेलेबल नहीं हो तो आप 1 छोटा चम्मच पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, 8 से 10 करी पत्ते, 2 हरी मिर्च मोटे स्लाइसेस में कटी हुई, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच नारियल पाउडर, सेंधा नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच दही और आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अब इसमें लगभग 1/4 ग्लास पानी ऐड कीजिए और फिर इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। धनिया पुदीना चटनी तैयार है। इस रेसिपी में लास्ट में आप थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मूंगफली की चटनी, नारियल चटनी और धनिया पुदीना चटनी रेसिपी। ये सभी चटनी फास्टिंग स्पेशल, टिक्की, कटलेट, पराठा, पकौड़ा सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। डिनर डेज में भी ये चटनी सैंडविच, इडली, ढोकला या पराठा के साथ बनाई जा सकती है। तो आप भी इन रेसिपीज को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल क्रेजी फॉर इजी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रेजी फॉर इजी।